गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी WSP का क्या ही कमबैक हुआ है BMPS के मैचेस में, एंड मैंने हाईलाइट अपलोड नहीं किया था, तो आपको ये वीडियो में WSP का BMPS के मैचेस के हाईलाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे आपको दो चिकन देखने को मिलने वाला है और कुछ अच्छे फाइट आपको BMPS के देखने को मिलेंगे। तो चलते हम सीधा मैच की तरफ। से बाहर हो चुके हैं WSB के अगेंस्ट, इस सर्कल के अंदर आने में कामयाबी प्राप्त और शायद यहाँ भी हमें एक फाइट होता हुआ देखने को मिल जाए। ओमेगा बहुत अलग हो गए, उन्हें पकड़ा जा सकता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होगा। गॉब्लिन स्प्रे जरूर से वहाँ पे किए लेकिन कनेक्शन है नहीं, हालांकि इन्फॉर्मेशन है कि अलग अलग हो गए हैं हमारे अपोनेंट। जी हाँ, बट कॉक्स को भी यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा मैंने बताया कि ओजीज भी स्प्रे कर रहे थे पहले VXT के ऊपर और एक्विनॉक्स को इस बारे में पता था, सही समय रहते वो आगे आए, बट WSB फाइनली वो नेड आया इम्पोर्टेंट मुकाबले के। आरू बाहर गए, आतंकी ने कवर दिया, अपने अपोनेंट्स को खत्म किया, फिर वापस यहाँ पे जोन के अंदर जगह बनाई और अगला सर्कल उनसे थोड़ा सा दूर गया। GS meanwhile शुरुआत में एक प्लेयर को गवाने के बावजूद अभी तक बचे हुए, टॉप 6 में अपनी टीम को लेके आए। बटारू का ये नेड, बहुत कमाल के ग्रेनेड देखने को मिले, बैक टू बैक नॉक्स, लेकिन आखिरकार जब अंत करने की बारी आई तो आरू ने दिखाया कि कैसे करते हैं ग्रेनेड। 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं आरू, शानदार प्रदर्शन इस कप्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है। पटेल इंडिया फंसे होते हुए तो वो भी है, जोन के अंदर जाना अभी भी बाकी। OGs इस टिप का पूरा फायदा उन्होंने उठाया। वही WSP की बात की जाए, 4 फ्रैग्स उनके पास, टॉप 5 में जगह बनाई, एक प्लेयर जो नॉक है, रिवाइवल मिल तो जाएगा उनको, बट अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी। OGs की पोजीशनिंग देखिए, रावण क्या शानदार जोन है उनके पास, बट वहां से और ज्यादा फिनिशेस निकालने पड़ेंगे। बट आरू इनके नेट्स तो आज रुक ही नहीं रहे, ये नेट्स नहीं ये मिसाइल है और वो भी हीट सीकिंग, जहां पे प्लेयर है वही जा रहे हैं। बटारू बार बार बचे उस बगी से, इस्तेमाल करेंगे जिया, फेंका तो जरूर गया लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं, लेकिन इनके पास तो पूरा मानो एक कमाल का एंगल था, शॉट लिया गया, खत्म किया जाएगा और उसके बाद आरू को भी कमाल खत्म करने में कामयाब हो गए यहाँ पे गॉड्स। बेहतर इंतजार किया गया और आखिर में बहुत ही ज्यादा अच्छा ये एक्शन भरा पैक। WSB स्लोली स्टेडली जोन के अंदर आए, ज्यादा फिनिशेस निकाले नहीं थे शुरुआत में, बट जोन में जगह बनाई, ओमेगा को गवाया था, उसके बावजूद इस पहले मुकाबले में आते ही निकाल के जा रहे हैं वो एक विनर विनर चिकन डिनर। शायान आखिरी प्लेयर, बट WSP जितनी तारीफ करो उतनी कम है, रावण बेहतरीन प्रदर्शन किया। अब सवाल बस इतना क्या शायान जाते जाते एक आधा नॉक निकालेंगे, क्या किसी का फ्लैग निकालेंगे, ये भी एक सवाल। बट WSB तारीफ करनी पड़ेगी, बेहतरीन पोजीशनिंग और सही समय रहते थर्ड पार्टीज में जो इनका इंक्लूजन था वो काफी अच्छा था। कल जहां पे मैच कुछ बड़ा वहीं से आज शुरुआत की है, बट एक एंगल मिला, शॉट लिया जाएगा, नॉक भी करने में कामयाब हो गए, खत्म करने की भी कोशिश की जा रही, बट इन्होंने वो देखा कि इनके पास तीन जने से उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। वो ग्रेनेड बहुत करीब आए शोगन के, उनकी HP बहुत कम, बट ओमेगा जो कि कमाल का ये बैटल चल रहा है। ZF उन्होंने CG के हेक्टर को वहां पर डाउन जरूर किया, एक बार फिर से वो बैटल जो हम सब देखना चाहते हैं, कार्निवल गेमिंग वर्सेस WSB। बट साथ ही साथ यहाँ पे TCW की कंसिस्टेंसी देखिए आप, GS की कंसिस्टेंसी देखिए, यहाँ पे फीनिक्स की कंसिस्टेंसी देखिए, WSB की, और मेरे बोलते बोलते दोनों ही टीम एक दूसरे से लड़ना चाहती है। WSB को डाउन किया गया उनको और रंगथान AKOP ही इज स्टिल परफॉर्मिंग रियली वेल, बट स्नो जोर डैमेज दिया काफी ज्यादा, स्मोक के अंदर आए, अपने आप को हील करा। WSB गॉड्स को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे आंकी। जी हाँ, और फीनिक्स उनको भी अंदर जाना पड़ेगा और वो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं, वहां पे हार्ड TPP एंगल्स में हमें प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अरमान शुरुआती शॉट में जरूर हुआ, हालांकि पीछे जो प्लेयर आए थे स्नो जॉर्ड उनके आने में थोड़ी सी देर हुई, और WSB वो बेहतरीन सिनर्जी बेहतरीन कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता हुआ। और अब टीम फीनिक्स की बात करें, मात्र एक खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहे हैं गोकू, और उनके पास भी फर्स्ट एड उतने सारे है नहीं, हालांकि जो उनके दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने फर्स्ट एड ड्रॉप किया जरूर है, लेकिन वो काफी रहेगा नहीं। और WSB एक बहुत स्ट्रॉन्ग WSB देखने को मिलती है, लेकिन अब ओरैंगुटेन के एप्स आ चुके हैं उनका सामना करने के लिए। एप्स को जंगल में जीतना है, कोशिश उनकी भी यही है, बट वो आखिरी प्लेयर गोकू आना चाहते थे और वहां पे ओमेगा का एम इज अ 4v4v1, एक तरफ ओरैंगुटेन दूसरी तरफ WSB और सामने गॉडलिन, हालांकि कवर्स उनके पास अभी भी मौजूद, बस देखना यह कि क्या कुछ और मिरेकल जो गॉडलिन की तरफ से आना बाकी। अभी भी ओरांगुटान के पास मुझे लगता है वो जोन का एडवांटेज जा सकता है, मल्टीपल प्लेयर्स, बट AKOP को डाउन किया गया। आरू का एंगल देखिए, एक अलग एंगल से अटैक करना चाहते हैं WSB के प्लेयर्स के ऊपर, और गॉबलिन हील करने के अलावा कोई चारा नहीं, बट हायर ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पे ओरांगुटान के पास जरूर है। गॉड्स आगे बढ़े, उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया, 7 फ्लैग्स निकाले ओरांगुटान के एप्स इस जंगल वाले मैप में, सबसे आगे सबसे तेज और एक चिकन की तरफ
आगे बढ़ते हुए 3v2 के सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं। एक और प्लेयर को स्पॉट किया गया वेरोन के द्वारा और अब मात्र एक खिलाड़ी जो बचते हुए नजर आएंगे और उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि गॉडलिन वो अपनी टीम को और एडविनोव आखिरी खिलाड़ी क्लची के द्वारा उनका एलिमिनेशन होगा। पर गॉडलाइक उन्होंने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने मोर देन इनफ जो फिनिशेस थे वो निकाले और साथ ही साथ उनके पास वो जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो भी जाने वाला है। पर हंटर पिछले मुकाबले में भी ये खिलाड़ी शानदार खेल कर गया, इस बार भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है WSB 3 फिनिशेस के साथ। पर सबसे बड़ी बात कि चारों खिलाड़ी इस मैदान में, दिक्कत बस एक है कि सर्कल के अंदर उनको जाना पड़ेगा। स्मोक्स और कितने उनके पास मौजूद है वो देखने वाली बात। अरमान की बात करें मात्र इनफैक्ट 5 स्मोक्स है उनके पास, दिक्कत है ज्यादा होगी नहीं। व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं जेरफ और वो ड्राइव वाइज करने की जो कोशिश आते हैं वो भी की जाएगी। WSB के लिए मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेनेड जो उनकी तरफ जाता हुआ नजर आया जरूर है। टीम ओरिजिनल्स अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं, लेकिन 45 सेकंड का वक्त और उसके बाद सर्कल वो श्रिंकिंग होना स्टार्ट होगा। एक बढ़िया ग्रेनेड गया, स्प्लैश डैमेज जरूर आया लेकिन वो जो नॉक है वो अभी भी आया नहीं है। वही GS की बात करें उनके पास वो जोन का एडवांटेज है और सबसे बढ़ के टीम वर्सेटाइल एक्वानॉक्स सर्कल के बिल्कुल एज पर मौजूद। पर GS की तारीफ है, OG's की एक खिलाड़ी आया बहुत दूर निकलकर, हालांकि अभी भी वो जोन के बाहर। तो जीस आगे जाते हुए बट WSB व्हीकल लेकर के वो सीधे ड्राइव बाय करने की कोशिश करेंगे। GS की स्क्वाड जिनके पास अभी तक वो मैन एडवांटेज था वो बहुत ज्यादा मुश्किल में देखने को मिल जाएंगे। नॉक जरूर वहां पर निकाला गया लेकिन WSB अभी भी वो सर्वाइव करते हुए, दो जो खिलाड़ी है वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। अरमान उनके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अब ऐसा लग रहा है कि ये फाइट टीम ओरिजिनल्स के खाते में भी जा सकती है। मैन एडवांटेज उनके पास अभी तक जरूर था। एक्वानॉक्स उनको भी सर्कल के अंदर जाना है, वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो एक 2v2v1 का बनता हुआ। एक्वानॉक्स इसके बाद मात्र एक फर्स्ट एड उनके पास रहेगा और वो एक प्लेयर को स्पॉट भी कर सकते हैं वहां पर। और GS की स्क्वाड के लिए दिक्कत ज्यादा हुआ कि उनका जो एक खिलाड़ी पीछे था उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट करी, उससे उनका जो एक खिलाड़ी था वो वहां पर एलिमिनेट हुआ। पर जैसे आपने बताया भी एक्वानॉक्स दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं, रैंडम शॉट दिए गए और एक्चुअली में वो कनेक्ट कर जाएंगे और यहां पर WSB इस चीज का फायदा उठा सकती है, हालांकि उन्हें अंदाजा होगा नहीं। WSB ओमेगा अभी भी अपने आप को बूस्ट करना बाकी, अरमान शायद वो अपने आप को बूस्ट कर चुके होंगे। VXC 4 फिनिशेस के साथ उनका एलिमिनेशन, पिछले मैच में चिकन डिनर निकाला था, इस मुकाबले में तीसरे पायदान पर उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला। पर दाओजीज पहुंचा सकते हैं WSB 6 फिनिशेस के साथ, चिकन डिनर उनके लिए भी जरूरी है। पर उस खिलाड़ी को डैमेज पड़ा क्या, वो मोलोटोव वहां पर कनेक्शन बनाया या फिर नहीं वो देखने वाली बात। पर डैमेज उनको बहुत ज्यादा पड़ चुका, अकेला खिलाड़ी वो प्ले जोन के बाहर चले गए, ब्लेड वो डाउन कर दिए गए और अब बचता है एक आखिरी खिलाड़ी वो भी जोन के बाहर। देखना है कि क्या वो कुछ क्लच करके जा पाएंगे। ग्रेनेड उन्होंने आगे थ्रो किया जरूर लेकिन वो कनेक्शन बना नहीं पाएगा, एक प्लेयर को नॉक करने की कोशिश लेकिन WSB तो वही TCW की बात की जाए सीधा पुश करने चाहते हैं यहाँ पे और बिना इन्फॉर्मेशन के इस कंपाउंड के अंदर आगमन उनका हुआ और यहाँ पे सिर्फ उनका स्वागत करेंगे गॉड्स भी वहां पे। WSB एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम गन गेम की जब हम बात करते हैं और जब इस टीम में ओमेगा का आगमन हुआ है मुझे लगता है काफी स्टेबिलिटी भी मिल चुकी है अब इस टीम को। देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं इस टीम को अगर आप ऑन